दोस्तों आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा अभी इस टाइम हम जर्नी नहीं कर पा रहे हैं, तो जर्नी की वीडियो अभी आपके लिए नहीं आ पाएगी। तो हो सकेगा जो हम छोटी मोटी अपडेट हैं फरकात स्टेशन की या फतेहगढ़ स्टेशन की या फिर कोई से भी स्टेशन की अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी पता होगा कि इस टाइम तो ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें सिर्फ दो ही चल रही हैं, एक सुबह 5:25 पे चलती है कानपुर के लिए फरकाबाद से और एक 4:50 बजे पैसेंजर चलती है काजगंज के लिए, और दोस्तों फिर वही शाम को वापस आती हैं। काजगंज से शाम को 4 बजे चलती है जो 8:30 बजे फरकाबाद आती है, और कानपुर से 7:15 पे चलती है अनवरगंज से जो फरकाबाद 11 बजे आ जाती है। तो दोस्तों आज हम ये तो हो गए ट्रेन की जानकारी, तो हम दोस्तों आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं जो हम छोटी मोटी यादों के लिए हम आपको पेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो फिर हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं अपनी 2016 से लेकर 2020 तक की कुछ यादें जो हमने नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन और रिजर्वेशन ट्रेन में की थी। तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये दोस्तों आप जैसा कि ये देख सकते हैं ये मेरा बॉक्स है जो हमने 2016 से 2020 तक की जर्नी की थी, जो अब सिर्फ जन यादें ही बची हैं। डीजल लोगों के साथ की थी, अब तो डीजल लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है। इसलिए हम आपको बताना चाहते कि डीजल लोगों की अब तो सिर्फ यादें रह गई, क्योंकि डीजल इस टाइम पे अहमदाबाद में चल रहा है और दूसरा बहराइच की तरफ चल रहा है, यही दो जगह जहाँ पे डीजल लोको BDM4 के साथ चल रहा है। तो दोस्तों हम आपको अपने जलने की कुछ टिकटें दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करिए आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये मेरा बॉक्स जहाँ पर हमने 2016 से 20 तक की जलने की कुछ टिकटें और यादें अपने पास रखी। तो दोस्तों इस बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं कब से लेके कब तक की इसमें टिकट जनरल रिजर्वेशन टिकट हैं और कहाँ कहाँ की है। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि ये पहली टिकट हम इसे उठा रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये पहली टिकट है फरकाबाद से फतेहगढ़ की, जो जिसकी 10 रुपये किराया होता था, अब दोस्तों ये पैसेंजर एक्सप्रेस बन गई है कोरोना की वजह से, तो इसका किराया 30 से 35 रुपये हो गया है फरकाबाद से फतेहगढ़ का। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये टिकट है मेरी 5/5/2018 की 4:47 की, और ये दोस्तों मेरी पैसेंजर ट्रेन की थी जो फरकाबाद से फतेहगढ़ की थी, ये थी मेरी 55/325 में जो काजगंज लखनऊ पैसेंजर की थी। दोस्तों ये होगी मेरी पहली टिकट। तो दोस्तों दूसरी टिकट हम आपको दिखाते हैं कि रिजर्वेशन टिकट ये कहाँ से कहाँ तक की है। तो ये दोस्तों हम इसे ओपन कर देते हैं। तो ये दोस्तों मेरी टिकट है, ये दोस्तों मेरी थी हजरत निजामुद्दीन से मदुरई की तमिलनाडु संपर्क क्रांति की, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स लोग जा रहे थे मदुरई में दर्शन करने के लिए और फिर वहाँ से रामेश्वरम। तो ये टिकट वहाँ पे तो उसकी टिकट की जो हमने कैंसिल करा दी थी क्योंकि वहाँ पे सी लेक आ गया था, वहाँ पे समुद्र का पानी ज़्यादा भरा हुआ था, इसके चक्कर में फिर हमने ये तमिलनाडु की टिकट कैंसिल कराई थी संपर्क करने। ये टिकट दोस्तों आप देख सकते हैं ये 21/12/2017 तक की टिकट थी, 1/2652/3674 की जलनी है, सॉरी दोस्तों 2674 की जलनी, जिसका किराया दोस्तों 3,05,580 रुपीज़ था, जो हमने टिकट जब कैंसिल करी थी तो 180 रुपये टिकट कैंसिल फीस लगी थी और 2400 रुपये रिफंड हुए। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे कुछ दो टिकटें थी जो यादें हैं। अब दोस्तों हम आपके लिए तीसरी टिकट लेके आते हैं जो मेरी है। तो दोस्तों ये हम दो टिकटें हम इधर आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मेरी है फरकाबाद से मथुरा जंक्शन की, दो लोगों की थी, जिसका किराया 2 लोगों का 90 रुपये था, मतलब 45/45 रुपये दोनों का एक टिकट किराया लगा था, जो पैसेंजर ट्रेन का था जो फरकाबाद से सुबह 4:50 बजे पैसेंजर चलती थी जो मथुरा को जाती थी, पहले काजगंज रुक 7:30 बजे पहुँचती थी, फिर वहाँ से 8:00 बज के
जो काजगंज से सुबह 5 बजे पैसेंजर आती थी वो काजगंज से वापस होती थी। यही दोस्तों मेरी 2 टिकट थी फरकावाद से मथुरा जंक्शन की, ये टिकट थी दोस्तों 8 फरवरी 2019 तक की। और दोस्तों आपको नेक्स्ट टिकट दिखाना चाहते हैं जो डीजल लोग जब हमने इसमें जर्नी की थी, तो ये टिकट दोस्तों डीजल से चली थी, काफ़ी मज़ा आया करता था। एल्को की चगिंग, हॉन्किंग और धुआं भी ज़्यादा कभी हुआ करता था। तो दोस्तों नेक्स्ट टिकट पेश करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टिकट है मेरी ये रावतपुर से फरकाबाद की। ये दोस्तों मेरी टिकट है, इसमें दोस्तों कुछ साफ से नहीं लिख के आ रहा है। ये दोस्तों मेरी टिकट 35 रुपये की, ये टिकट है 28/2/2019 की 12:17 पे, जो दिन में पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी उसी की टिकट है। चलो दोस्तों नेक्स्ट टिकट आपको लगा दी। दोस्तों मेरी कुछ यादें हैं जो हमने अभी तक संभाल के रखी हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर ये टिकटें मेरी कानपुर सेंट्रल से, दोस्तों ये देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल से फरकाबाद तक की थी एक्सप्रेस की, जिसका किराया 7 रुपये था। ये टिकट हमने दोस्तों सुबह 7:20 पे ली थी 25 अप्रैल 2019 को। और दोस्तों इसके बाद जी नेक्स्ट टिकट हमने ली थी फरकाबाद से कमारगंज की, सिर्फ जलनी यात्रा करने के लिए। ये दोस्तों की मेरी 1/2019 तक की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिकट हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों मेरी नेक्स्ट टिकट है फतेहगढ़ से कानपुर सेंटर की, जिसका किराया 7 रुपये था। ये सुबह 5:15 की टिकट हमने ली थी, जो 5:30 पैसेंजर जाती थी। हमने पर टिकट एक्सप्रेस का बनवाया था क्योंकि हमें कानपुर से लखनऊ भी जाना था, इसलिए लखनऊ में मेरा रिजर्वेशन था। इसलिए दोस्तों मेरी कुछ देर टिकटें थी। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये तमाम टिकटें अभी मेरे पास इतनी सारी संभाल के हमने रखी हैं, जो यादें बन के सिर्फ रह गई हैं। ऐसे टिकट अब शायद ही आपको कभी देखने को मिल सकती है। हम आपको दोस्तों टिकट दिखा दे रहे हैं कि मेरी कब कब की कौन कौन सी जलनी थी और कहाँ कहाँ की थी। ये दोस्तों मेरी फतेहगढ़ से कानपुर है, ज़्यादातर मेरी दोस्तों जलनी फतेहगढ़ से कानपुर की थी। ऐसे टिकट चला करती आप दोस्तों इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे इसे दिखाते हैं कौन कौन से टिकटें। ये दोस्तों हमने मोबाइल की टिकट थी। ज़्यादातर तो लोग पूछते हैं मोबाइल से जब UTS से बुक करते हैं टिकट कैसे आती है, तो दोस्तों मोबाइल से टिकट बुक करने पर ऐसी निकलती है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये दोस्तों ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन का किराया था जो कि फरकाबाद जंक्शन का था, फरकाबाद जंक्शन से फतेहगढ़ का। ये ATBM टिकट थी। अब आपको इसके बाद JB ATBM टिकट दोस्तों है ये वाली भी, इसके जो दोस्तों इसकी लिखावट डार्क वजह की वजह छूटने लगी क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी हो गई है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इन सब का लिखा हुआ है सब ATBM मशीन का, सब ऐसी स्याही होती है बेकार, कुछ उनसे फ़ायदा नहीं होती। ये दोस्तों मेरी फतेहगढ़ से कन्नौज की टिकट है एक्सप्रेस की, जो हमने सुबह 7:33 पे ली थी, जो हमें कालिंदी एक्सप्रेस से कन्नौज जाना था कुछ काम की वजह से, तब की ये जर्नी मेरी 2019 की है, 15/9/2019 की, जो डीजल लोगों के साथ चलती थी। जब हमने 15/9/2019 को जर्नी करी थी कालिंदी एक्सप्रेस में, तब इसमें लखनऊ का WDM 3A था, जो अब कम देखने को मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर EMD चल रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट टिकट दिखा देते हैं। जे दोस्तों देख सकते हैं ये मेरी फतेहगढ़ से कानपुर की, ये टिकट है मेरी 31 दिसंबर 2019 की, सुबह 7 बजे ली थी, कालिंदी एक्सप्रेस से हमें जाना था। इसके बाद दोस्तों ये है मेरी फिर नेक्स्ट नहीं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब मेरी ज़्यादातर कानपुर से फरकाबाद, फतेहगढ़ से फरकाबाद की है। और दोस्तों ये है मेरी फतेहगढ़ से कानपुर सेंटर की टिकट, ये दोस्तों देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये तो मेरा BSC का पेपर है, जो हमने BSC एग्रीकल्चर दिया तो उसका है पेपर, तो ये हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो ये दोस्तों ये सब मेरी टिकटें हैं, ये दोस्तों देख सकते हैं ये सब मेरी इतनी सारी टिकटें हमने ये सब इतनी जर्नी करी है, जो सब टिकटें बचा बचा के हमने रखी हैं, ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सब दोस्तों मेरी टिकटें हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ इस वाले बॉक्स में, इसको अलग रख देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए इन सबको हम एक एक करके ना निकाल के सीधे इकट्ठे निकाल देते हैं। तो ये दोस्तों सब मेरी टिकटें हैं
फर्रुखाबाद से आगरा फोर्ट, ये दोस्तों देख सकते हैं फर्रुखाबाद से आगरा फोर्ट की टिकट है जो 5/2/2018 की टिकट है, काफ़ी पुरानी टिकट है, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर दोस्तों ये हमने नई ली थी चेन्नई सेंट्रल से मदुरई की, जो सुपरफास्ट की थी, जो चंडीगढ़ सुपरफास्ट की थी टिकट, जो चंडीगढ़ से मदुरई को जाती थी उसकी हमने दोस्तों टिकट ली थी। ये टिकट है मेरी 7/2/2018 को, जब रामेश्वरम गए थे तब की टिकट है। 698 किलोमीटर की फेयर 215 रुपये लगा था, जो वाया जे टी जे ऐसे इलोद तिरुचिरापल्ली होती हुई गई थी। इसकी टिकट हम दोस्तों आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये टिकट मेरी थी जो 7/2/2018 की चलनी थी। ये दोस्तों हमने मार्च मतलब चेन्नई सेंटर पर ली थी रात के 12:27 पे, क्योंकि 12 बजे के बाद ही टिकट दे रहे थे। तो दोस्तों इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इसका ये दोस्तों मेरी टिकट है चेन्नई सेंटर टू मदुरई जंक्शन की, ये 7/2/2018 की टिकट की जलनी थी, जोपाबाद की ये भी थी, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इसका दोस्तों हम ये टिकट है मेरी फतेहगढ़ से लखनऊ की 1/7/2018 की, जो इज्जत नगर WDM 3D के साथ गया था। ये शाम की टिकट हमने ली थी, कैश पेमेंट करा था 90 रुपये का, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये दोस्तों ये भी टिकट मेरे कानपुर सेंटर मगरवाला की टिकट थी, जहाँ पर हमें शताब्दी एक्सप्रेस पकड़नी थी, पर वो शताब्दी एक्सप्रेस मेरी छूट गई थी मगरवाला से मैं, क्योंकि जब मेरी ट्रेन थी वो उन्नाव में थी और शताब्दी पहले ही निकल गई थी, इसके चक्कर में फिर हमें पैसेंजर ट्रेन से आना पड़ा था मैमू से, जो लखनऊ कानपुर मैमू चलती थी दोपहर में 2 बजे से पहले उसी की, इसको भी साइड में रख देते हैं। और ये दोस्तों मेरी अमौसी फर्रुखाबाद, ये दोस्तों 22/4/2018 की थी, एक्सप्रेस की ली थी क्योंकि हमें शाम को कालिंदी एक्सप्रेस पकड़नी थी लखनऊ से, जब हम आ रहे थे तो वहाँ से लखनऊ से के अमौसी से फर्रुखाबाद तक टिकट ले ली थी सुपर एक्सप्रेस की, क्योंकि हमें वहाँ से कालिंदी एक्सप्रेस पकड़नी थी 5:30 बजे, जो कि वो छूट गई थी, इसके चक्कर में 7:15 बजे भाई हमें पैसेंजर से आना पड़ा था अनवरगंज से, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं फर्रुखाबाद जंक्शन से लखनऊ की सुपरफास्ट टिकट थी मेरी 22/4/2018 के अप्लाई की। ये दोस्तों मेरी टिकट थी 8/2/1909 बांद्रा गोरखपुर सुविधा स्पेशल में, जो मेरी फर्स्ट जर्नी थी, जिसका किराया 95 रुपये लगा था। इसमें इस दिन इज्जत नगर का WDG 4D आया था, काफ़ी मस्त जर्नी थी, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हम इधर साइड में दिखा देते हैं, ये दोस्तों मेरी फर्रुखाबाद प्लेटफार्म टिकट थी, जहाँ पे 10 रुपये टिकट थी और टिकट ऐसे मिलती थी। अब ये दोस्तों इसके किराया 50 रुपये प्लेटफार्म हो गया है, जो अब जब तक अभी लॉकडाउन रहेगा है तब तक मतलब रहेगा, इसके बाद तो फिर ज़्यादातर 30 रुपये कर दिए गए हैं 10 रुपये से बराबर। उसकी भी न्यूज़ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेटफार्म टिकट की 30 रुपये हो गए कि 50 रुपये हो गए उसकी हम जानकारी आपको बाद में दे देंगे। ये दोस्तों मेरी कमारगंज से फतेहगढ़ की टिकट थी पैसेंजर की, जो सुबह में कॉलेज जब गए थे तब वहाँ से लखनऊ काजगंज पैसेंजर से आए थे, उसी की टिकट है 13 किलोमीटर की। उसके बाद दोस्तों ये सब तो दोस्तों टिकट आपको हम सब भाई टिकट है फतेहगढ़ कानपुर लखनऊ, ये भी हम इन सबको साइड में रख देते हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं। ये सब दोस्तों ज़्यादातर भाई टिकट हैं, इतनी सारी हमने दोस्तों जलनी करी थी, सब जो जलनी मेरे पास रखी हैं, ये सब दोस्तों देख सकते हैं इतनी सारी टिकट है सब जलनी की मेरी, पुरानी पुरानी जलनी सब हमने इतनी जलनी करी है, इतनी दोस्तों जो 2016 से लेके अब तक की है। सॉरी दोस्तों 16 तक की तो टिकट एक भी नहीं मिली, और ना ही 17/18 से लेके अब तक की है 2 साल की, इन सबको भी हम अलग रख देते हैं। ये सब दोस्तों टिकट हैं, इन सबको हम अलग रख देते हैं, इन सबको भी अलग रख देते हैं, इन सबको भी अलग रख देते हैं, इन सबको भी अलग रख देते हैं, ये भी सब अलग रख दें क्योंकि ज़्यादातर तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की है। ये दोस्तों हम आपको टिकट दिखाना चाहते हैं, ये दोस्तों मेरी फर्स्ट टिकट थी जब हम, ये दोस्तों मेरी फर्स्ट टिकट थी जब हम द्वारका से जयपुर आए, तो उत्तरांचल एक्सप्रेस से मेरी बेटिंग टिकट थी, कन्फर्म नहीं हो पाई थी, तो एक सीट साइड लोअर हमें मिल गई थी, जहाँ पर हम और मेरे फादर बैठ के आए थे। ये दोस्तों द्वारका से जयपुर तक की टिकट थी, ये दोस्तों टिकट थी मेरी 21 जून 2016 की, जो वाया आज जीते बीजी अब आबू रोड अजमेर होती हुई आई थी,
क्योंकि दोस्तों हम जयपुर हम सुबह जब पहुंच गए थे तो हम जयपुर में ही रुके थे, और फिर जयपुर से बाद में हम 10 दिन बाद आए थे जयपुर में, वहाँ पर घूम के। ये तो टिकट होगी रिजर्वेशन, जो उत्तरांचल एक्सप्रेस की जो मेरी फर्स्ट जर्नी थी, जो मैं जो हम द्वारका गए थे, वहाँ पे भेद द्वारका गए थे, वहाँ सब घूमे, काफ़ी जगह अच्छी आप लोग ज़रूर घूमिएगा जाके। ये हो गई टिकट वहाँ की, और दोस्तों ये सब मेरी रिजर्वेशन टिकट है, कब कब की कहाँ कहाँ की टिकट है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, इन सबको साइड में कर देते जनरल टिकट को। तो दोस्तों ये हम टिकट आपको दिखा रहे हैं, ये दोस्तों है मेरी जयपुर टू फरकाबाद, ये दोस्तों मेरी टिकट थी, ये जयपुर से जब हम फरकाबाद आए थे, ये टिकट है दोस्तों मेरी 28/6/2016 को। ये दोस्तों इसमें लिखा है वैलिड विद ओरिजिनल आईडी, क्योंकि ज़्यादातर टिकट वैलिड विद ओरिजिनल आईडी से ही रिजर्वेशन टिकट मान्य होती है। अब तो दोस्तों सब रूल चेंज हो गया जब से कोरोना आया, तो ऐसे टिकट थी शुभ यात्रा की जयपुर डिवीज़न की, मतलब मीन्स NWR डिवीज़न की, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, इसके वो भी हम साइड में लग देते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम आपको ये टिकट दिखाना चाहते हैं, ये दोस्तों मेरी टिकट थी, ये दोस्तों मेरी कानपुर संतरा से फतेहगढ़ की टिकट थी, जो 4/10/2019 को हमने टिकट करवाई थी। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कालिंदी एक्सप्रेस, हमने दोस्तों कालिंदी एक्सप्रेस की दिखाई थी टिकट, कब की थी जी, हमने करी थी 4/10/2019 को, 135 किलोमीटर कालिंदी एक्सप्रेस की। ये भी होगी दोस्तों मेरी कालिंदी एक्सप्रेस की, ये भी दोस्तों मेरी बेटिंग टिकट थी कानपुर बांद्रा की, जो रात को कानपुर आती थी 2 बजे और सुबह 4:30 बजे फतेहगढ़ आ जाती थी, फतेहगढ़ रुकती नहीं थी पर फरकाबाद रुकती थी जाके, क्योंकि इसका स्टॉप लखनऊ बांद्रा का फरकाबाद ही है, जो फतेहाबाद 4:30 बजे आ जाती थी। इसकी टिकट दोस्तों आप देखते, बेटिंग 183 थी पर कन्फर्म मिल गई थी S2 में, जिसमें मेरे मतलब मिलने वाले लोग थे, तो वही से उनके साथ हम बैठ के आ गए थे। ये टिकट मेरी थी, जो अभी टाइम इसका 7:45 हो गया है वहाँ से डिपार्चर होने का, जो ट्रेन दोपहर में 2 बजे पहुँच जाती है लखनऊ जंक्शन पे। ये दोस्तों मेरी टिकट है, और दोस्तों ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मेरी टिकट है नई दिल्ली मधुबनी शिवगंगा एक्सप्रेस की। हाँ जी जी हाँ दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट जर्नी टिकट है, जो नई दिल्ली से मधुबनी हम गए थे शिवगंगा से, जब दोस्तों मेरे 2018 में वहाँ पे कन्वेंशन था IRI का, इंडिया रेल इन्फो का, तब की जी हमने टिकट करवाई थी, IRI का कन्वेंशन था तब हमने टिकट करवाई, इसका फेयर देख सकते हैं 415 रुपये लगा था नई दिल्ली से मधुबनी का। तो यही दोस्तों हम आप, यही मेरी कुछ पुरानी यादें थी जो हमने आपके सामने पेश की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यही मेरी कुछ पुरानी यादें थी जो हमने 2018 से 2020 तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी कौन कौन से पुरानी यादें हैं जो अब इस टाइम पे आप नहीं कर पा रहे हैं दीजिए लोगों के साथ, या फिर किस किस जगह आप गए थे वहाँ का, मतलब कौन सी जगह बदल गई, उसका डेवलपमेंट कितना हो गया, तो आप कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब का नया अपडेट आ गया है, जितनी भी पुरानी यूट्यूबर थे या जो नए यूट्यूबर जो बने हैं, उनके लिए हमने अपडेट देना चाहते हैं कि कृपया करके अपने वीडियो किसी भी लिंक पर शेयर ना करें, या फिर किसी को भी अपने कम्युनिटी में टैग करने के लिए ना कहें, क्योंकि ये यूट्यूब के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यूट्यूब सीधे कह रहा है कि अगर आप अपने वीडियो शेयर करेंगे तो उनके व्यू और सब्सक्राइबर और बहुत टाइम काउंट नहीं किया जाएगा, और जितनी बर्निंग होगी उसमें वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। कृपया दोस्तों उन सब में अपने ध्यान से यूट्यूब वीडियो बना लें, वो कृपया ध्यान से वीडियो अपलोड करें। तो यही दोस्तों मेरी जानकारी थी जो हमने आपके लिए सामने पेश की। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। यही दोस्तों मेरी आज की पुरानी यादें कुछ थी जो हमने आपको दी, और दोस्तों कुछ क्या नई वीडियो आप लेना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।